से बेटे छीने इन दोनों ने, तुमसे वेद और मुझसे जैकी, इसे अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। मारो! लेकिन तू ये मत समझना कि तू अकेली है, हम सब एक मिनट क्या कह रही हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं, बड़ी माँ नहीं, दरअसल एक गलतफहमी है ये, साहिल जिंदा है, वो तो भूमि Thank you.
ठीक हो? मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही थी इन सब से कि साहिल को कुछ नहीं हुआ है, साहिल जिंदा है। देख लिया आपने माँ, कुछ नहीं हुआ है साहिल को, साहिल जिंदा है, साहिल यहाँ है। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन हो गया ना? साहिल, साहिल अब तुम्हें इन सबको बता दो कि हमारे साथ क्या हुआ था, बताओ इन सबको। कौन साहिल? मैं साहिल नहीं हूं, मैं जैकी हूं। वेदिका, वेदिका ये साहिल नहीं, उसका जुड़वा भाई जैकी है। अरे नहीं, जिसे इस बड़ी अम्मा ने बचपन में ही सड़क पर छोड़ दिया था मरने के लिए, और अब इसे सूसा ने पाल पोस कर बड़ा किया। ये सच है। ये जैकी है, मेरा बेटा जैकी, और अग्रवाल खानदान का वारिस जैकी अग्रवाल। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? अरे ये झूठ, बड़ी अम्मा ये औरत झूठ बोल रही है, ये इस औरत की चाल है। जब से इसे पता चला कि पुलिस ने जैकी को साहिल समझकर मारने की कोशिश की, तब से ये हम दोनों को खत्म कर देना चाहती है, और अब जब जैकी का कोई पता नहीं है तो ये साहिल को ही जैकी बनाकर यहाँ लेकर आई। साहिल, देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा प्लान है, तुम्हें तुम्हारे साथ, तुम इस औरत को हराना चाहते हो, मैं जानती हूँ, पर साहिल इस वक्त तुम्हें सच बता देना चाहिए सबको। सबको बता दो तुम ये नाटक कर रहे हो। बता दो साहिल, बता दो कि तुम्हारे साथ 7 दिनों में क्या हुआ है। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं तुम्हारे साथ। देखिए एक मिनट, मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रही हैं, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और जब मेरी आंख खुली तो मेरी मम्मी मेरे सामने थी। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, सब कुछ याद दिलाया, मुझे बताया कि मेरा नाम जैकी अग्रवाल है और मेरा जुड़वा भाई है साहिल अग्रवाल, जो इस घर का वारिस है। इस घर पे मेरा भी उतना हक है जितना मेरे भाई का है। मेरे भाई को तो सब कुछ मिला, पर मेरी जिंदगी मेरी परवरिश अनाज जैसी रही है। तो बचपन से मेरे साथ मेरी माँ थी, मेरी बहन और मेरा भाई गुड्डू। देखा, एक माँ कभी झूठ नहीं बोलती। बेटा सबको सच बता कि तू ही मेरा बेटा जाके। अरे झूठ मत बोलिए आप, झूठ बोल रही है ये। तुम जैकी नहीं हो, तुम साहिल हो। चुप रहो वेदिका, बड़ी चालू चीज हो तुम। ये ना मेरे बेटे को एक मेले में मिली, और फिर इसने पता नहीं किस तरह इसे पटा लिया और कहा कि तुम साहिल बन जाओ, और ये बेचारा मान गया। साहिल तो कब का मर चुका है, इसने आप लोगों को येड़ा बनाया इसे साहिल साबित करके। किस्मत का खेल देखो, मेरा बेटा बेहोश हो गया, उसकी याददाश्त चली गई, और जब होश आया तो मैं सामने थी, और मैंने सारी सच्चाई इसे बता दी और सब कुछ समझा दिया ना। हाँ ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, पर ये जो कह रही है वो सच नहीं है।
अरे ये हमेशा से साहिल ही था, ये जैकी था ही नहीं। मैं तो जैकी को मिली ही नहीं हूँ, क्योंकि पुनीत ने जैकी को मार के खाई में फेंक दिया था, और ये सब मुझे खुद साहिल ने ही बताया है। साहिल को विश्वास ही नहीं था कि जैकी मर सकता है, इसीलिए तो इसने जैकी की जगह ली, ताकि ये जैकी को ढूंढ सके और इसकी माँ की और इसके परिवार की मदद कर सके। पर अब ये औरत मेरे साहिल को ही जैकी बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको नहीं जानता हूँ। पर मैं एक चीज जानता हूं कि ये मेरी माँ है, और माँ को भगवान समान माना जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मेरी माँ से रिस्पेक्ट से बात कीजिए। आप अपने दिल से पूछिए, क्या उसको नहीं लगता कि मैं आपका साहिल हूं? हर वक्त वेदिका जी जब मैं आपके करीब आता गया, जब भी मैंने आपका हाथ पकड़ा, जब आपकी आंखें मेरी आंखों से मिली वेदिका जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं आपका आपका साहिल हूं? साहिल, तुम मुझे भूल सकते हो पर मेरे प्यार को नहीं। साबित करके रहूंगी कि तुम साहिल हो। ये क्या बकवास कर रही है? ये मेरा बेटा। मेरे साहिल, अगर वो लड़का सच में साहिल है तो वेदिका दम ना लेगी जब तक ये साबित ना करते। हाँ, पर अगर वो लड़का जैकी है तो क्या इसका मतलब है कि हमारा साहिल है? बस चुप कर, हम भी साहिल को मरा हुआ नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लड़का जो बाहर बैठा है और खुद को जैकी बता रहा है, उसकी बात को भी अनसुना नहीं कर सकते हैं हम। एक बात कहें बड़ी, बुरा ना मानना, लेकिन इस सारी मुसीबत की जड़ तू ही है। ना तूने ये राज छिपाया होता कि साहिल का कोई जुड़वा भाई भी है, ना हम सब इस असमंजस में होते कि वो लड़का साहिल है या फिर जैकी। अरे अगर वो साहिल नहीं भी है, पर है तो इस घर का बेटा ही ना, वो भाई जिसे हम कभी मिले ही नहीं। अम्मा, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा, अब आपको ही इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। हाँ सोचिए कुछ। ये मेरा साहिल है। हाँ, ये मेरा साहिल ही है। सर पे चोट लगने से शायद वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पास छूने से ही उस पर इतना असर क्यों होता? वो मेरा साहिल ही है। सही समझा तूने, वो तेरा साहिल ही है। क्या कर लेगी तू? क्या वेदिका,
तू बेहोश काहे को हो गई? हाँ, तू 7 दिन से यहाँ पड़ी है। अगर तू होश में होती ना तो तू देखती अपुन ने तेरे आशिक का क्या हाल किया। बच तो गया साला, लेकिन उसे लगता है कि वो ही जैकी है। तेरी ये प्रेम कहानी ना, अनोखी प्रेम कहानी, उसका बैड लक ही खराब है। अब तू ही सोच, जिस साहिल ने मेरे जैकी को मारा, अपुन ने उसको ही जैकी बना डाला। आपने एक माँ से उसका बेटा, एक बेटे से उसका बाप और एक पत्नी से उसका पति छीना है। बहुत बड़ा पाप किया है आपने, और जितना दर्द आपने मेरे साहिल को दिया है, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तू कौन होती है मेरे को माफ करने वाली? तुम दोनों ने ना मेरे सुख चैन को छीन लिया है, अब मैं तेरे प्यार को छीनूंगी। गलत सोच रही हैं आप। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि प्यार की ताकत का अंदाजा ही नहीं है आपको। और साहिल और मेरा प्यार, हमारा प्यार तो वो सैलाब है जो आगे आने वाले हर पहाड़ को भी चूर चूर करते हैं। मुझे आर्या, वेद और इस आने वाले बच्चे की कसम है, मैं साबित करके रहूंगी कि ये मेरा साहिल ही है। मैं अपनी प्रेम कहानी फिर से शुरू करूंगी। और ये तो आपने अपनी आंखों से ही देख लिया ना कि मेरे बस छूने से ही उस पर कितना असर हो गया। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जब ये प्रेम कहानी फिर से शुरू होगी तब क्या होगा? कैसे रोकेंगी आप साहिल को? कैसे उसे जैकी के झूठे परछाई में कैद करके रखेंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, और आपकी आंखों के सामने होगा। आपको जो करना है कर लीजिए, और मैं वो करूंगी जो मुझे करना है, क्योंकि आज मुकाबला प्यार और नफरत के बीच है। देखते हैं कौन जीतता है, नफरत या प्यार। अभी तक मैं दुनिया की बात सुनकर अपने प्यार से भागती रही, लेकिन आज से नहीं बल्कि अभी से मैं साहिल और मेरी अनोखी प्रेम कहानी को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाकर ही रहूंगी। अंजाम तक तो पहुंचेगी तेरी ये प्रेम कहानी, लेकिन तेरे लिए बहुत ही बदसूरत अंजाम होगा, क्योंकि मैं अपने बेटे का रिश्ता करवा रही हूं, बहू ला रही हूं उसके लिए। बहू? चल तुझे मिलाती हूं मेरे बहू से। हाँ चल। छप्पन चूरी तू बैठ, दरवाजा अपुन खोलेगी क्योंकि अपुन का मेहमान आ रहा है। मेरे बेटे की होने वाली बीवी और मेरी होने वाली बहू का गृह प्रवेश मैच करेगी।
भूमि तुम? हाँ भूमि, मेरी होने वाली बहू और मेरे बेटे जैकी की होने वाली बीवी। और आप? होने वाली सास। अरे शर्म कर भूमि, कैसी मौका परस्त है रे तू। कल तक साहिल से चिपकती थी और आज आज इस जैकी के साथ शादी करने को तैयार हो गई है? क्यों नहीं बुआ जी? और साहिल ने कौन सी शादी निभाई थी मेरे साथ? वो तो इतने साल बस वेदिका दी का नाम रटता रहा। तो जब आज मुझे अपनी खुशी दिख रही है तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जैकी में मुझे वो प्यार मिल गया है जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। बल्कि आपकी बेटी को तो खुश होना चाहिए ना बुआ जी। हमेशा कहती तो थी कि वो अपनी बहन का भला चाहती है और इस बार तो मैं उनके साहिल को उनसे छीन भी नहीं रही, तो इसमें मेरा भी भला है और आपकी बेटी का भी। एंड या, सबसे अच्छी खबर तो ये है कि मैं कल के कल ही जैकी के साथ मंगनी कर रही हूं। यही इस घर में आप सबके सामने है। तुम मेरे साहिल ही हो क्योंकि तुम अपनी वेदिका जी के अलावा इस तरह किसी और का हाथ थाम ही नहीं सकते। तुम्हारे दिल में अपनी वेदिका जी के लिए प्यार है और उसे चाहकर भी कोई नहीं बदल सकता। और जो तुम्हारी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं उन दोनों को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अरे जैकी, यहाँ खड़ा क्यों है? इसे अंदर ले जा, वो भी अपने बाहों में उठा के। मैंने सुना है कि तेरा जुड़वा भाई साहिल अपने से उम्र में बड़ी औरत को ऐसे बाहों में उठाता था, तो तू क्यों पीछे रहेगा? हाँ, तू भी जरा प्यार दिखा, खुश कर दे अपनी माँ को, अपुन को दिखा कि तुझे अपुन की चॉइस पसंद आई है। ये देखकर कि मेरी चॉइस के साथ तू शादी बनाने वाला है, चल चल उठा। शर्मा मत। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है?